हेलो फ्रेंड, मैं कुमार सरफ सोलर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में जो प्रैक्टिकल हम लोग टिक करने वाले हैं, आज हम लोग टेस्टिंग करने वाले हैं। ये जो सामने आप देख रहे हो, ये डीसी फैन है। ये फैन जो है बैटरी से चलता है, सोलर पैनल से चलता है, ठीक है। तो आज इसका हम टेस्टिंग करने वाले हैं बैटरी से चला के। ये फ़ैन जो है मेरे पास रखा हुआ था बहुत साल पहले से। आज मैंने इसे निकाला है, मैंने ट्राई करना है मुझे कि ये बैटरी से चल पाता है कि नहीं, और चलता है तो ये कितना एम्पेयर लेता है। तो हम इस पर पहले तो लगा के टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो इसका एम्पेयर भी हम चेक करेंगे कि ये कितना एम्पेयर लेता है। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल हम टेस्टिंग करके देखते हैं। और यहाँ पे माइनस प्लस के लिए यहाँ रेड एंड ब्लैक कर दिया गया। ये जो है रेड है, यानी ये पॉजिटिव है। यहाँ चिमटी में भी लिखा हुआ है पॉजिटिव, और यहाँ पर ये नेगेटिव लिखा हुआ है, ठीक है, आपको दिख पा रहा होगा। चलिए बैटरी में लगाते हैं पहले। तो यहाँ तो नेगेटिव लगा दूँ मैं इस तरह से, अब हम पॉजिटिव लगाते हैं, देखते हैं ये कैसा काम करता है। वाओ, ये तो चल रहा है और ये शानदार आवाज़ भी कर रहा है। मैं अगर आपको ये दिखाऊं, अगर मैं इसे उल्टा कर दूं तब क्या होगा, क्योंकि डीसी लोड क्या होता है ना, खासकर डीसी लोड में डीसी फैन, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, देखो अभी मैंने खोल दिया तो ये पॉजिटिव है। अब मैं इसे उल्टा लगाता हूं, इसे इधर और इसे उल्टा, ये देखो तभी भी घूमेगा, लेकिन ये हवा पीछे के साइड से देगा, ये हवा आगे नहीं दे रहा है, ये हवा पीछे के साइड से दे रहा है। और पीछे अच्छा हवा देता नहीं है, लेकिन ये हवा उल्टा घूम रहा है, अभी हवा ये पीछे की तरफ दे रहा है। तो डीसी लोड में ये खासियत है कि अगर हम इसे उल्टा लगा देते हैं बैटरी में तो क्या होता है, ये अपोजिट काम करता है। डीसी फैन में ये चीज़ होता है। चलो इसे सीधा कर देते हैं फटाफट, इसे सीधा कर दिया। और अब बारी आता है हम इसे एम्पेयर चेक करने का कि कितना एम्पेयर ये करंट ले रहा है। तो एम्पेयर चेक करने के लिए सिंपल सा एक चीज़ है कि हमें मल्टीमीटर लेना होगा। ये मल्टीमीटर पे हमने क्या करना है, एम्पेयर पे सेट कर देना है। तो हमने यहाँ पे 10 एम्पेयर पे सेट कर दिया, आप देख पाओगे, ठीक है, 10 एम्पेयर पे देखते हैं कितना एम्पेयर ये लेता है। अब क्या करना है, कोई भी दोनों में से एक वायर ले लेंगे। इस वायर को हमने खोल दिया, यहाँ पे चिमटी को खोल दिया, और अब क्या करना है, एक जो है यहाँ पे चिमटी में लगा देना है इस तरह से, एक फ्रॉप को यहाँ चिमटी में लगा देना है। चलो इसे छोड़ देते हैं, हम वहाँ पे लगा हुआ है, और दूसरा जो फ्रॉप है इसे हम क्या करेंगे, इस टर्मिनल पे टच करेंगे, तब यहाँ पे एम्पेयर शो करेगा। तो हम एम्पेयर देख पाएंगे, ये 2.58 के आसपास एम्पेयर आया है। और आप देखे होंगे, नोटिस करे होंगे कि जैसे ही मैंने इसे लगाया है स्टार्टिंग में, तो ये स्टार्टिंग में ज़्यादा एम्पेयर ये कंज्यूम कर रहा था। देखो फिर से मैं दिखाता हूँ आपको, देखो, तो देखो स्टार्टिंग में ये ज़्यादा एम्पेयर ये कंज्यूम करता है। तो आई थिंक आपने देख लिया कि ये जो है 2.54 एम्पेयर ये ले रहा है। तो हमने आज प्रैक्टिकल में ये टेस्ट कर लिया कि डीसी फैन जो है, डीसी फैन हम उससे बैटरी से चला सकते हैं, और ये 2.5 एम्पेयर के आसपास ले रहा है। तो अच्छा खासा, अगर मान लो 150 एम्पेयर का बैटरी है तो बहुत देर तक ये फ़ैन चल सकता है। तो अगला वीडियो हम क्या करेंगे, इसी का हम बनाएंगे, लेकिन उससे सोलर पैनल से हम चला के टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल हम लाएंगे, सोलर पैनल से हम टेस्टिंग करेंगे कि कितना एम्पेयर ले रहा है, सोलर पैनल से चलता है कि नहीं चलता है, तो वो भी हम ट्राई करेंगे अगली बार। तो फिलहाल हमने देखा कि बैटरी से ये काम कर रहा है, और अच्छा से काम कर रहा है। एम्पेयर भी इसका हम देख लिए, 2.5 एम्पेयर के आसपास ये ले रहा है। और ये पुराना फ़ैन है, लगभग 10 साल पुराना 15 साल पुराना ये फ़ैन है, ठीक है। अभी लेटेस्ट जो डीसी फैन आने लगा है ना, तो वो इससे भी कम एम्पेयर लेता है, मतलब 1 एम्पेयर 1.5 एम्पेयर या फिर उससे भी कम एम्पेयर वाला सेम इसी तरह का फ़ैन होता है। वो भी इतना ही स्पीड देता है, लेकिन एम्पेयर वो कम लेता है। ये पुराना फ़ैन है, इसलिए यहाँ पर 2.5 एम्पेयर ये ले रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।